दोस्तों, मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी किसान की। तो किसान का जीवन परित्याग, श्रम, मेहनत और हर चीज़ के लिए एडजस्टमेंट का जीवन रहा है। काफ़ी मुश्किल जीवन रहता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता, कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी फसल के लिए, कभी फसल के भाव के लिए। तो अभी एक नई समस्या ये आई है कि जो रास्ता रहती है, मेड़े रहती, दो खेतों का एक वो रहता है, उसमें भी कुछ समस्या आने लगी है। लेकिन एक समस्या और है प्रकृति की, कि प्रकृति हमेशा किसान के हित में नहीं रही है। तो एक ऐसे ही एक किसान महादेव को स्मरण करते हैं और महादेव के पास जाके बोलते हैं कि प्रभु, आप सन्यासी हो, आप वैरागी हो, आपको किसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा नहीं है, तो आप कृपया करके प्रकृति का संचालन मैं करूं, मुझे ऐसे शक्ति दे दीजिए। तो महादेव ने वरदान दिया उसे। तो वो आता है और 5-6 इंच के लगभग बारिश करता है, बारिश को रोकता है, फिर इसको उपरांत बुआई करता है, निंदाई गुड़ाई के लिए जाता है, निंदाई गुड़ाई करता है, और धूप लगती उसे तो वो बादलों को कर लेता है ताकि छाँव बनी रहे, ठंडक बनी रहे, ऐसे ऐसे करके पूरी फसलों को तैयार कर लेता और सबसे बेहतरीन फसल उस साल उसे दिखाई देती है। लेकिन अंत में सिस्टम ये होता है कि मक्के में भुट्टे दाने नहीं आते। तो ये सिस्टम वो महादेव के पास जाता है, तो महादेव से पूछता कि सब तो ठीक था लेकिन ये क्या हुआ। तो महादेव कहते हैं कि भैया, तुमने मैं यहाँ से जो हवा भेजता हूँ वो हवा पौधों को झुका देती है और जड़ बहुत नीचे तक चली जाती है, तो ये तुमने नहीं किया, तुम्हारी ये गलती हो गई। तो ये प्रकृति भी उन्होंने बनाई है, वही संचालन भी वही कर रहे। तो मैंने देखा है कोई इस प्रकृति के चक्कर में, जैसे मानसून होता है, कुछ भी हो, तो किसान लोग या कोई भी हो तो भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, उन्हें गालियाँ भी दे दी जाती है। तो अपने धर्म में अपराध है क्योंकि हम उन्हीं से बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।